कोडिंग पे स्टार्ट कर दो। चले अब स्टार्ट करें, आप करें स्टार्ट। स्क्रीन शो हो गई है, हो गई है। हाँ भीम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज परसेप्शन। नाउ आवर ब्रेन इज अ मार्वेलस एंड मिस्टिफाइंग ऑर्गन। हमारा दिमाग एक हैरत अंगेज और दिलकश अजू है। इट इनेबल्स अस टू एक्सपीरियंस आवर सराउंडिंग। ये हमारे आज के हमारे माहौल का तजर्बा करने के हमें काबिल बनाता है टू रिमेम्बर और फॉरगेट एक्सपीरियंस को याद रखने और भूल जाने के भी काबिल बनाता है। टू लर्न न्यू स्किल्स एंड मॉडिफाई आवर हैबिट्स। ये हमें नई महारतें सीखने और हमारी आदत को तब्दील करने के काबिल बनाता है। एंड टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इमोशंस एंड सेंसेशंस इन द मोस्ट मीनिंगफुल वे। और हमारी फीलिंग्स इमोशंस और सेंसेशंस को इंतहाई मैनिफेस्ट तरीकों से जाहिर करता है। हाउएवर द ब्रेन कैन नॉट फंक्शन इन अ वैक्यूम। ताहम हमारा दिमाग जो है किसी खला में काम नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे मालूमात की मुसलसल फराहमी की जरूरत होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बैरूनी माहौल से एज वेल एज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसे बैरूनी माहौल के साथ साथ जिस्म के बाकी हिस्सों से भी मालूमात की मुसलसल फराहमी की जरूरत होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बाई द सेंसरी नर्व फ्राम डिफरेंट सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ये मालूम मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन से दिमाग में सेंसरी नर्व के जरिए मुंतकिल होती है। वेयर इट इज प्रोसेस्ड टू फॉर्म आवर परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड इन विच वी लिव। जहाँ हम रहते हैं इस दुनिया के बारे में अपने ख्याल तैयार करने के लिए कार्रवाई की जाती है या अमल दरामद होता है। द स्टडी ऑफ परसेप्शन इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस थ्रू विच वी इंटरप्रेट। परसेप्शन का मुताला इस अमल की निशानदही कर रहा है जिसके जरिए हम तशरीह करते हैं एंड ऑर्गेनाइज द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के बारे में हमारा शौरी तजर्बा कॉन्शियस एक्सपीरियंस या हमारा जो है शौरी तजर्बा प्रोड्यूस करने के लिए सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें। नाउ वी एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम सेंसेशन टू परसेप्शन। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट सेंसेशन फ्रॉम परसेप्शन। एहसास को एहसास से अलग करना तकरीबन नामुमकिन है। सेंसेशन रेफर्स टू द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच आवर नर्वस सिस्टम रजिस्टर्स वेरियस सेंसरी स्टिमुलाई। सेंसेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेफर करता है जिसके जरिए हमारा नर्वस सिस्टम मुख्तलिफ सेंसरी स्टिमुलाई को रजिस्टर करता है। परसेप्शन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच आवर ब्रेन अराइव एट अ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक सेंसेशन। दूसरी तरफ परसेप्शन इस अमल को रेफर करता है जिसके जरिए हमारा दिमाग बुनियादी एहसास के मायने खेज इंटरप्रिटेशन यानी कि मायने खेज तशरीह पर पहुंच जाता है। इन अदर वर्ड दूसरे लफ्जों में आवर ब्रेन कैन नॉट डायरेक्टली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी लाइट हीट साउंड स्मेल टेस्ट एटसेट्रा दैट इज कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग अस। दूसरे अल्फाज में हमारा दिमाग जिस्मानी तवानाई के मुख्तलिफ इकसाम जैसे कि लाइट हीट साउंड स्मेल टेस्ट वगैरह की मौजूदगी का ब्रेरस पता नहीं लगा सकता। डेट इज कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग अस जो हम पर कॉन्स्टेंटली बम्बारी कर रहा है। रेदर इट कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट पैटर्न ऑफ न्यूरल इम्पल्सिव डेट आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन विया स्पेशलाइज सेंसरी नर्व। बल्कि ये सिर्फ न्यूरल इम्पल्सिव यानी कि असाबी तहरीक के मुख्तलिफ नमूनों को जवाब दे सकता है जो डेट आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन विया स्पेशलाइज सेंसरी नर्व जो खसूसी सेंसरी नर्व के जरिए हमारे दिमाग में मुंतकिल होता है। परसेप्शन इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस ऑफ सिंपली अब्सॉर्बिंग एंड डिकोडिंग इनकमिंग सेंसेशन। परसेप्शन जो है वो महज आने वाले एहसास को एब्सॉर्ब यानी कि जज्ब करना एंड डिकोडिंग रब्ता कुशाई करने का एक गैर फ्याल अमल नहीं है। इफ इट वर अगर ये होता है तो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वुड बी पुअर इंडीड। अगर ये होता है तो बैरूनी माहौल में हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत खराब होगी। द विजुअल सीन वुड बी अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कन्फ्यूजिंग पैटर्न ऑफ लाइट एंड कलर। विजुअल सीन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। लाइट्स एंड रोशनी और रंग का
कि मध्यम नमूने में जो विजुअल सीन है वो जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. द ऑडिटरी वर्ल्ड वुड बी एट द बिन ऑफ ब्रीदिंग ह्यूमिंग एंड शेकिंग नोजिंग. ब्रीदिंग मीन जिनके गूंजना ह्यूमिंग गुनगुनाना एंड शेकिंग नोजिंग तेज तेज आवाजें. ऑडिटरी वर्ल्ड जिनके समयी दुनिया जो है समयी दुनिया गूंज उठने गुनगुनाने और तेज करने वाली आवाजों का दिन होगा. द ब्रेन ऑर्गेनाइज एंड गिव मीनिंग टू द लिमिटेड इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय आवर सेंस. ब्रेन जो है वो हमारे सेंसेस के जरिए जमा करदा लिमिटेड इंफॉर्मेशन को मायने देता है और ऑर्गेनाइज करता है. व्हेन सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट. जब सेंसरी इंफॉर्मेशन नामकमल हो तो ब्रेन प्रोसेसेस ऑफन क्रिएट अ कंप्लीट परसेप्शन बाय फिलिंग इन द मिसिंग डिटेल. जब सेंसरी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो तो ब्रेन प्रोसेसिंग के दिमाग का अमल जो है वो अक्सर गुमशुदा तफसीलात को पूरा करने में एक कंप्लीट परसेप्शन क्रिएट करता है. वी फिल इन मिसिंग इंफॉर्मेशन. हम मिसिंग इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे एंड ड्रा ऑन पास्ट एक्सपीरियंस टू गिव मीनिंग टू व्हाट वी सी हियर और टच. जो कुछ हम सीखते देखते और छूते हैं इसको मायने देने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हम ड्रा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द ब्रेन कैन प्रोवाइड अस विद सब्जेक्टिव contrast which are lines or shapes that appear to be part of a figure but actually are not present. मिसाल के तौर पर दिमाग ब्रेन जो है वो हमें सब्जेक्टिव कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है यानी कि नफ्सी शक्लें हमें प्रोवाइड करता है जिसमें जिस फिगर के एक हिस्से में जो हमें लाइन और शक्लें दिखाई देती हैं मगर हकीकत में वो मौजूद नहीं है. When you look at the drawing, अगर आप drawing को देखें नीचे वाली पिक को देखेंगे तो you may perceive the various shapes as having distinct outlines that are actually not there. अगर आप ड्राइंग को देखें तो आपको वादिया आउटलाइन में मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मालूम होंगी मगर that are actually not there जो हकीकत में वहाँ मौजूद नहीं है. Our perception of these contours is the result of an automatic brain activity that attempts to enhance and complete the details of an image. Brain का जो automatic activity ब्रेन की ऑटोमेटिक एक्टिविटी का नतीजा इस इन शक्लों से हम समझ सकते हैं कि जो दैट अटेम्प्ट्स टू एनहांस एंड कंप्लीट द डिटेल ऑफ एन इमेज जो इमेज की तफसीलात को मुकम्मल करने और बढ़ाने की कोशिश करता है. ब्रेन एक्टिविटी कैन आल्सो क्रिएट परसेप्शंस इवन इन द एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट सेंसरी स्टिमुलेशन. दिमागी सरगर्मी मुनासिब सेंसरी स्टिमुलेशन की गैर मौजूदगी में परसेप्शन क्रिएट कर सकता है. वी समटाइम्स हैव विजुअल एक्सपीरियंस विदाउट यूजिंग द आईज. हमारे पास बाज़ औक़ात आँखों को इस्तेमाल किए बगैर विजुअल एक्सपीरियंस होता है और ऑडिटरी एक्सपीरियंस विदाउट यूजिंग आवर द एयर एंड सो ऑन. इसी तरह हमारे कानों को इस्तेमाल किए बगैर हमारे पास समयी तजर्बा यानी ऑडिटरी एक्सपीरियंस समयी तजर्बा भी होता है. For instance, when two blindfolded persons are asked to describe their experiences of a comedy show, a sports event, or a dream, the details will include numerous visual and auditory reports that will be purely subjects. مثال کے طور پر جب دو نابینا افراد سے ہم کسی خواب یا کھیلوں کے پروگرام یا کامیڈی شو کو اپنے تجربات کی وضاحت کے لیے کہا جائے تو So the details will include numerous visual and auditory reports that will be purely subjective. So تفصیلات جو ہیں تفصیلات میں کئی visual اور auditory reports شامل ہوں گی جو مکمل طور پر subjective ہوں گی. It is evidently واضح ہے کہ that perception is not simply the detection of stimuli by sensory receptors. یہ واضح ہے کہ perception محض sensory reports کے ذریعے ان محرکات کے stimuli کو detect نہیں کر سکتا. Instead If there the perceptual process depends on the way the brain organizes those stimuli to create meaning. اس کی بجائے perceptual کا عمل depend کرتا ہے انحصار کرتا ہے جس طرح برین ان محرکات کو معنی کریٹ کرنے کے لیے آرگنائز کرتا ہے. جی سر ہو گیا. نیکسٹ کون جی سر میں तो जी सर नेक्स्ट अब करना शुरू करते हैं बना दिया इसको होस्ट ओके चलो फिर स्टार्ट कर दो. नोट शो हो रहे हैं? हाँ जी हो रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. टुडे द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज द बेसिक्स ऑफ बेसिक ऑफ परसेप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे
परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी गिव मीनिंग टू आवर एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंप्रेशंस। वो ये कह रहा है कि परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने इन्वायरमेंट को कोई मीनिंग देते हैं हमारी सोच और समझ के साथ। जैसे भी हम अपने इन्वायरमेंट में कोई चीज़ देखते हैं, हमारी परसेप्शन में उसका जो भी मीनिंग आता है, हम उसको जो मीनिंग देते हैं, ये प्रोसेस परसेप्शन कहलाता है। सेंसेशन कॉज बाय योर सेंसरी सिस्टम विच इज बीइंग कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटेड बाय ऑब्जेक्ट्स एंड द इवेंट्स इन आवर एनवायरनमेंट। वो कह रहा है कि सेंसेशन कोई भी सेंसेशन है जो हमारे माइंड में उस वक्त पैदा होती है जब हम अपने माहौल में बहुत से वाकयात और चीज़ों को रूनमा होता हुआ देखते हैं। रिसर्च ऑन परसेप्शन प्रूव दैट इंडिविजुअल Research on perception proves that individual may look at the same thing yet perceive it differently. वो कह रहा है कि perception पर जो भी research हुई है उससे ये साबित हुआ है कि एक same ही thing है, उसको दो individual देखते हैं, दो अलग अलग लोग देखते हैं, लेकिन वो उनको अलग तरीके से perceive करते हैं। For example, हमारे पास एक परफ्यूम की बोतल है, अगर एक शख्स उसको देखता है तो उसे उसकी खुशबू अच्छी लगती है, जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा शख्स देखे और उसे भी अच्छी लगे। इसलिए लोगों का चीजों को परसीव करने का जो रिएक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल वी विजुअलाइज डिफरेंट थिंग्स कलर शेप्स एंड ऑर्गेनाइज कलर एंड शेप बट ऑर्गेनाइज देम होल एंड मेक अवर परसेप्शन। वो कह रहा है कि परसेप्शन के प्रिंसिपल के तहत कि हम डिफरेंट चीजें जो हैं उनको देखते हैं अपने माहौल में, लेकिन हम उनको एज अ अलग अलग नहीं बल्कि एज अ होल लेते हैं। 1935 द लॉ ऑफ प्रेगनेंस, 95 में उसका ने लगा दिया था प्रेगनेंस का, जिसके मुताबिक विच डिफाइंड वी परसीव ऑब्जेक्ट नॉट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोलेटेड वंस बट एज ऑर्गेनाइज्ड होल। इस कंसेप्ट के मुताबिक एज अ होल लेते हैं और उसका एक मीनिंग परसीव करते हैं। द बेस्ट वे ऑफ परसीविंग इज अचीव थ्रू प्रोक्सिमिटी, क्लियर कंटिन्यूटी एंड सिमेट्री। अगर डिफरेंट प्रोसेस बताएं जिसके जरिए हम अच्छी परसेप्शन गेट कर सकते हैं। प्रोक्सिमिटी सेव्ड एज अ ग्रुप एंड टुगेदर, जो चीजें जो आपस में एक जैसी दिखाई देती, जो आपस में जिनका फासला कम हो वो कोशिश करती हैं कि वो एक ग्रुप ही शो करें। पास अब तीन पेयर है पैरेलल लाइंस के, जो दो पैरेलल लाइंस हैं, अब हम कुछ छह पैरेलल लाइंस अलग अलग के लाइंस के तौर पे नहीं ले रहे, बल्कि हम उनको जिनका फासला कम है उनको हम दो पैरेलल लाइंस के साथ ले रहे हैं। इसी तरह डॉट्स वाली एग्जांपल है, चार डॉट्स हैं, अब हम उनको तीन ग्रुप्स कंसीडर कर रहे हैं। एक ग्रुप है उसमें चार डॉट्स हैं और दूसरा ग्रुप है उसमें तीन डॉट्स हैं और थर्ड ग्रुप है उसमें टू डॉट्स हैं। आगे है क्लियर, टेंडेंसी टू फिल इन गैप्स इन आवर परसेप्शन वर्ल्ड। वो कह रहा है कि हमारी जो परसेप्शनल वर्ल्ड होता है हमारे ब्रेन में, उसमें हम जो गैप है उनको इग्नोर करके और उनको फिल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम एज अ होल ऑब्जेक्ट को लें। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, लेकिन इनमें गैप है। अगर हम गैप को कंसीडर करते हुए इस शेप को डिवाइड करें दो हिस्सों में तो ये एक ट्रायंगल नहीं बनती, लेकिन हम लोग उन गैप को इग्नोर करते हुए ना इसको एक ट्रायंगल की शेप और एक स्क्वायर की शेप नहीं लेते हैं। आगे कंटिन्यूटी एंड सिमेट्री, सिमिलर पार्ट्स ऑफ द figure which appear in straight or a curved lines tend to stand out to make a recognizable shape. अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास similar एक जैसी चीजें होती हैं हम as a एक figure लेते हैं, as a whole उसको consider करते हैं। जैसे हमारे सामने एक dots है, dots की मदद से तकरीबन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक square बांधा है और एक straight line बांधी है, लेकिन अगर हम real world में देखो तो ऐसा तो नहीं है कि ये एक square है और ये एक straight line है। हमारे लिए ये स्ट्रेट और स्क्वायर की ये डेफिनेशन होती, लेकिन हम ये सिमिलर चीजें हैं इसलिए हम लोग इनको एज अ होल कंसीडर करते हुए एक शेप ही कंसीडर कर रहे हैं।
आ गया सिमिलरिटी, स्टिमुलाई दैट रिजेंबल ईच अदर इन सम वे टेंड टू परसीव एज अ ग्रुप. जैसे वो कह रहा है वो स्टिमुलाई जो एक दूसरे से रिजेंबलेंस रखते हैं उनको हम एज अ ग्रुप लेते हैं. जैसे आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, अब अगर हम इस पिक को देखें तो हम क्या इसमें सबसे पहले हमारा ध्यान किस चीज पे जाएगा कि इसमें तीन डॉट्स की लाइन है और दो क्रॉस की लाइन है, क्योंकि क्रॉस और डॉट जो है वो आपस में फीमिलियर है, इसलिए हमारी जो अटेंशन है वो ज्यादा उन पे जा रही है. इसी तरह उसने कहा है कि जो चीजें आपस में सिमिलरिटी रखती हैं उन पर इंसान की टेंशन ज्यादा जाती है. आगे है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप. इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ परसेप्शन सम ऑब्जेक्ट सीम टू स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड, द फिगर इज प्रेजेंट एज डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स. अब वो कह रहा है कि फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें हम सेग्रीगेशन करते हैं फिगर और ग्राउंड के दिमाग में. अगर हम दो पिक्स हैं, अगर उनमें हम एक को ग्राउंड, अगर एक सम दो कलर्स में कोई पिक्स हैं, अगर हम पहले एक को ग्राउंड कंसीडर करें तो हमें फिगर कुछ और दिखाई देगी, अगर हम दूसरे को ग्राउंड कंसीडर करेंगे बैकग्राउंड तो हमें पिक्चर जो कुछ और दिखाई देगी. फॉर इंस्टेंस ये वाली जो पिक है जी हमारे नोट्स पे थी लेकिन क्लियर नहीं थी इसलिए ये क्लियर है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ. अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट में देखें इस पिक के, तो इसमें अगर हम ब्लैक को लें एज अ बैकग्राउंड तो व्हाइट वाला हमें एक वास नजर आता है, ऐसा लग रहा है कोई गुलदान है अगर हम ब्लैक को बैकग्राउंड लें. और इसके साथ ही अगर हम व्हाइट को बैकग्राउंड लें तो हमें ये लग रहा है कि दो फेसेस हैं, जैसे कोई दो शख्स हैं और उनके फेस हैं. लेकिन इसी तरह है कि जब सेकेंड पिक में हमने व्हाइट को लिया ग्राउंड के तौर पे तो ब्लैक हमें लग रहा है कि कोई गुलदान है, और अगर हम ब्लैक को लेंगे बैकग्राउंड के तौर पर तो दो लग रहा है कि जैसे व्हाइट फेसेस हैं. इसे कहते हैं फिगर एंड ग्राउंड सेग्रीगेशन. थैंक यू सर, हो गई. नेक्स्ट, अब इसके बाद किसकी सर बना दिया नेक्स्ट को होस्ट. और अगर किसी की आई हुई है ना रिक्वेस्ट के ऐड करने की, उसे भी ऐड कर ले क्योंकि होस्ट के पास आती है रिक्वेस्ट. जी सर, निदा को मैंने होस्ट बना दिया है वो. तो निदा अगर कोई है स्टूडेंट जो के ऐड होना चाहते तो उसे ऐड भी कर ले. यस सर. अस्सलाम वालेकुम क्लास. मुंता तुम नोट्स शो करवा दो. अच्छा तुम पहले मुझे होस्ट बना दो, मैं करवा देती हूँ. बना दो मुझे होस्ट, मैं तुम्हें शो करवा देती हूँ नोट्स. तुमने शहर को बना दिया है. शहर को बना दिया है पकड़ के. अब शहर इसको इसी तरह खेल लीजिए आपस में. सॉरी शहर मुझे बना दो. शहर मुंतहा. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, जिस दिन हमने ग्रुप्स बनाए थे ना तो उस दिन कुछ बच्चे एब्सेंट थे, तो आपने कहा था उन्हें बाद में एडजस्ट कर लेंगे. तो तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि हम ग्रुप्स में नहीं है, तो उनका अब क्या करना है? उन्हें उनका एक अलग से ग्रुप बना के उन्हें क्या अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक आप लेना. ठीक है सर. जो हुआ ना हो साइकोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कोई डिप्रेशन हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, इमोशन हो गया. सर मुझे होस्ट नहीं बनाने आता, मैं कैसे बनाऊं? आप उसके नाम पे जाएं, मुंतहा के नाम पे जाएं और उधर तीन डोर नजर आ रहे होंगे आपको, उसको क्लिक करें. तो एक लिस्ट खुलेगी. सर मैं ऐसे ही आपको, सर मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर लेती हूं. एक मिनट आप वेट करें ना. तो ये तो फिर भी तो मुझे तो जरूरत पड़ेगी ना दोबारा होस्ट बनाने की. आपको भी नहीं यार, ऐड कर लेना 10 मिनट हो गया. मुझे तो कोई अब मुंतहा बन गई है. सब बना दिए. मुंतहा अगर कोई यानी कि स्टूडेंट है ऐड होने वाला तो उसको ऐड कर ले. जी सर कर रही हूं. नेता कर दिए शो. चलो
चलो प्रेजेंट करना शुरू कर रहे हैं। सर उसके नेट का मसला है तो वो उसकी डिस्कनेक्ट हो गई है शायद। चलो अब चेक कर लें कोई और बाकी जो है वो उतनी देर प्रेजेंट कर लें। जी सर। शादी में तुम्हें बना दिया होस्ट, तुम कर लो पहले एक्सप्लेन। ये पेज आगे मूव कर दें टाइप्स ऑफ परसेप्शन पे 74 पेज नंबर। हमारा टॉपिक। अच्छा एक मिनट मैं अपने नोट्स ओपन करता हूँ। Assalamu alaikum class, my name is Shazil and my roll number is 43. Types of perception. Perception refer to the experience you have when you organize sensation into the meaningful pattern. जब आप अपने सेंसेशन आवाज आ रही है जब आप अपने सेंसेशंस को अपने एहसास को या आप किसी चीज को देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में उसके बारे में जब आपका एहसास होता है आप उसको जब मीनिंगफुल पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं तो इस एक्सपीरियंस का नाम परसेप्शन है। ठीक है आपका जो परसेप्शन होता है ये समटाइम रॉन्ग भी होता है और ठीक भी होता है किसी भी रियलिटी के बरक्स। अब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर आप अपने ऑफिस को जज करते हैं कि वो एक दिन आते हैं और लेट आते हैं और अपना काम भी रूटीन से नहीं करते तो आप उनके बारे में परसेप्शन बना लेते हैं कि ये बंदा ही ठीक नहीं है कि ये लेट आता है और दूसरा अपना काम भी नहीं ठीक करते तो आपने उसके बारे में परसेप्शन बना लिया लेकिन ये अकॉर्डिंग टू रियलिटी नहीं होगा। हो सकता है कि वो बंदा किसी प्रॉब्लम की वजह से अपना काम सही तरीके से ना करे और उसकी रेगुलर रूटीन ठीक हो तो ये हमारा समटाइम हमारी जो परसेप्शन होती है रियलिटी के अकॉर्डिंग होती है और समटाइम उसके बरक्स होती है। फॉर्म एंड पैटर्न परसेप्शन। फॉर्म एंड पैटर्न परसेप्शन में क्या होता है जब हम किसी शेप्स को या वर्ड्स को पिक्चर फेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉग्निशन करते हैं उसकी तो उसको हम फॉर्म परसेप्शन करते हैं। बेबीज रिकॉग्नाइज देयर फेशियल ऑफ बेबीज रिकॉग्नाइज द फेशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पेरेंट्स एंड रिएक्ट प्लेजेंटली टू दोज फेसेस। जब बच्चे अपने पेरेंट्स के फेशियल करेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं अगर पेरेंट्स की जो एक्टिविटीज हैं उनके फेशियल दूसरा करेक्टरिस्टिक है वो प्लेजेंट हैं तो बेबीज भी अपने उसके मुताबिक प्लेजेंट बिहेव करेंगे कुछ गवार स्माइल पास करेंगे। अगर पेरेंट्स ही और बिहेव में आगे से करेक्टरिस्टिक अपनी शो करवाएंगे तो बच्चे भी वैसा ही बिहेव करेंगे वो रोना शुरू कर देंगे या और बिहेव आगे से शो करवाएंगे। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है उसके उसको अपनी बुक्स के बारे में उसका अच्छा परसेप्शन है एक लाइब्रेरी या उसमें एक पैटर्न है बना हुआ है तो वो अपनी बुक्स की सिलेक्शन इजीली कर लेगा। आगे आ गया रैट्स पियन एंड मैनी अदर्स एनिमल्स कैन इजीली लर्न टू डिस्क्रिमिनेट अमंग डिफरेंट ज्योमेट्रिक डिजाइन सच एज ट्रायंगल स्क्वायर्स एंड सर्कल्स व्हेन दे आर पेयर्ड विद अ सर्टेन रिवार्ड। जैसे कि अब देखें कबूतर हो गया चूहे वगैरह या इस तरह के बहुत सारे जानवर हैं उनको वो एक ट्राइंगल की शेप में उनको ऐसे सिखाते हैं ऐसे ट्रेन करते हैं कि उनके माइंड में परसेप्शन बन चुकी होती है तो फिर वो उसी तरह ही जब कोई मेला वगैरह या कोई इस तरह का फिर फेस्टिवल वगैरह होता है तो फिर वो एक ट्राइंगल की मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाते हैं। एक Again, the neural equipment individual system that is required for perception of the form seems to exist in the human being at birth. ये जो हमारा neural system होता है neural system होता है ये हमारे पदेशी तौर पर होता है कि मतलब हम ये जो recognize किसी परसेप्शन किसी भी चीज के बारे में बनाते हैं तो ये हमारा पदेशी तौर पर होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो ये उसका neural equipment individual system ये तभी उस के साथ लेकिन जो हमारा रिकॉग्नाइज या डिस्क्रिमिनेट पैटर्न हम डेवलप करते हैं किसी भी चीज के बारे में तो वो हमारा वक्त के साथ साथ बनता है। ऐसे जैसे हम किसी चीज को रीड आउट करते हैं या देखते हैं सीखते हैं तो साथ साथ ये चीज बनती है। इसी तरह
One group of psychologists has been specially concerned in exploring how we perceive. इस तरह एक psychologist का group आया, उन्होंने इस चीज पर work किया कि ये perception कैसे काम करती है. The gazelle psychologist, तो इनको gazelle psychologist का नाम दिया गया. These psychologists believe that people naturally organize the perception according to certain pattern. इन्होंने कहा इनका यकीन था कि जो पीपल हैं वो जो किसी चीज को भी नेचुरल तौर पर ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके बारे में परसेप्शन बनाते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न होता है कि जिस तरह का कोई पैटर्न उसकी तरफ उसी तरह उसकी परसेप्शन करते हैं. गैजेट इज अ जर्मन वर्ड विच मीन कॉन्फिगरेशन और फॉर्म. कॉन्फिगरेशन मीन तरतीब. वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ गैजल साइकोलॉजी इज दैट परसेप्शन ऑफ द होल इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट. इनका कहना था कि इनका जो मेन प्रिंसिपल था वो ये था कि जब हमारा किसी एक होल ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमारा परसेप्शन और होगा. अगर हम उसके पार्ट्स बना देंगे तो उसके बारे में हमारा परसेप्शन होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मूवी देखते हैं या कोई ड्रामा वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसको स्टार्ट्स देखते हैं तो उसका परसेप्शन हमारा और होगा. अगर हम उसको दरमियान में देखेंगे तो उसके बारे में परसेप्शन और होगा एंड से. लेकिन अगर हम उसको होल देखेंगे स्टार्ट्स लेकर एंड तो उसके बारे में हमारा परसेप्शन और होगा. Another Gazelle principle is the figure-ground relationship that explains the organization perception feed into stimuli that stand out the figure that those that are overlap left over ground. इसी तरह इनका एक और प्रिंसिपल था जिसको फिगर ग्राउंड कहते हैं, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप. इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ पिक्स होती हैं, एक ही पेज होता है या एक स्क्रीन होती है, उस पर डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं, लेकिन उनका एक कुछ ना कुछ एरिया कॉमन होता है. तो हम एक जो तस्वीर होती है उसकी रिस्पेक्ट से दूसरी को सेपरेट करते हैं या उनके बैकग्राउंड की रिस्पेक्ट से सेपरेट करते हैं. इसी तरह 1925 गैजेट साइकोलॉजी मैक्स वेल्टमर described principle of perceptual grooming to explain we organize stimuli. One of these principle proximity. इनका एक ये भी जो रूल था प्रिंसिपल था अप्रोक्सीमेटी. अप्रोक्सीमेटी में क्या होता है कि उन्होंने कहा कि फिजिकल जब कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं फिजिकल जब क्लोज होते हैं तो हम उनको एक ग्रुप की शेप में परसीव करते हैं. अनदर प्रिंसिपल इन्वॉल्व सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी में क्या होता है कि एक ही उनमें कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनकी सिमिलैरिटी कलर से शेप से वो उनके सेम है तो वो जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं गेट टुगेदर होते हैं तो फिर हम उनको एक ग्रुप की तौर पर परसीव करते हैं. क्लेयर में क्या होता है कि हमारे सामने एक इनकम्प्लीट पिक्चर आती है. जैसे सर्कल ले लें तो हमारे पास जब इनकम्प्लीट हमारे सामने आता है तो हम उसको अपने माइंड में कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पर हमें सर कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं और वो उसको हाफ छोड़ देते हैं, थोड़ा सा करते हैं और फिर उसके आगे कहते हैं कि आपको, तो हमारे माइंड में हम एक सस्पेंस बन जाता है कि हमने इसको आगे कैसे सॉल्व करना है या उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. इसको हम कहते हैं क्लियर. डेप्थ परसेप्शन. डेप्थ परसेप्शन में क्या होता है कि हम ये जो वर्ल्ड है ये थ्री डिमेंशन है और हमारी जो आईज का रेटिना है वो टू डिमेंशन है. तो हम इस एनवायरनमेंट में एक अपनी आंखों से थ्री डिमेंशन चीज को कैसे देख सकते हैं. ठीक है, थ्री डिमेंशन में किस तरह देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आईज की रेटिना है वो टू डिमेंशन और वर्ल्ड जो है वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट वो थ्री डिमेंशन है. तो इसमें ये बताए. इसके आगे उन्होंने दो क्यूज बताए, एक बाइनोक्यूलर क्यूज और एक है मोनोक्यूलर क्यूज. बाइनोक्यूलर क्यूज में क्या होता है, इसमें हम दोनों आंखें यूज करते हैं, मतलब दोनों आंखें से हम उसको यूज करते हैं, लेकिन दोनों आंखों की जो इमेज होती है वो डिफरेंट होती है और जो हमारा माइंड है वो दोनों को एक सिंगल पिक की तरह एक सिंगल इमेज की तौर पर एक्सेस करते हैं. इसी तरह हम इसको ज्यादा तौर पर हम इससे अवेयर नहीं है. आगे मोनोक्यूलर क्यूज आ जाता है. इसमें क्या होता है कि एक आंख से समटाइम ऐसा भी होता है कि हम कोई नेचुरली बचपन में जब वो पैदा होता है तो उपदेश के वक्त ही वो ब्लाइंड होता है तो वो एक आंख से परसीव चीजों को कर सकता है. वो किस तरह करता है, उसके लिए उन्होंने सिक्स मोनोक्यूलर क्यूज बताए हैं. इसमें इंटरपोजिशन है, लीनियर है, एरियल रिलेटिव टेक्सचर ग्रेडियंट मोशन पैरेलिक्स.
इंटरपोजिशन में क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट एक्स पार्शियली ब्लॉक ओवर व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वाई वी परसीव ऑब्जेक्ट एक्स बीइंग क्लोजर देन ऑब्जेक्ट वाई, एक जो एक्स ऑब्जेक्ट है वो अगर वाई ऑब्जेक्ट को पार्शियली ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उसके सामने आ जाता है या उसके कुछ एरिया को कवर कर लेता है, तो हम ये क्या हम परसीव करते हैं कि जो एक्स ऑब्जेक्ट है वो हमारे ज्यादा क्लोज है जबकि वाई वो हमसे फार है। जैसे कि इसमें आप पेज नंबर 76 पर देखें कि एक गर्ल्स है, उसके पीछे सीनरी है लेकिन उसने कुछ सीनरी का जो एरिया है ना उसको कवर किया हुआ है, तो हम क्या परसीव करते हैं कि जो गर्ल है वो हमारे ज्यादा करीब है जबकि सीनरी जो है उसका बैकग्राउंड वो हमसे दूर है। लीनियर पर्सपेक्टिव में क्या कहते हैं कि इफ यू लुक एट टू पैरेलल लाइंस फॉर एग्जांपल द साइड्स ऑफ फुटपाथ यू विल नोटिस दे अपीयर टू कम टुगेदर ऑन अ फिनिशिंग पॉइंट। आप किसी रोड पर चल रहे हैं और आप देखते हैं कि जो रोड की दो साइड्स हैं, ठीक है, वो जब हम उस थोड़ा सा दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कन्वर्ज कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम उनको परसीव करते हैं कि वो आपस में दो लाइंस जो हैं, जो दो साइड्स हैं रोड की, वो आपस में कोलैप्स कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, तो इसको हम लीनियर पर्सपेक्टिव कहते हैं। आगे आ जाता है एरियल पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर हैजी एंड लेस डिस्टेंट दैट नियर बाय ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो चीज हमें हैजी दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, हम वो परसीव करते हैं कि वो हमसे दूर है, जबकि दूसरी जो चीज है जो हमें साफ दिखाई देती है वो हमारे करीब है। रिलेटिव द लार्जर, आगे आ जाता है रिलेटिव साइज, द लार्जर द इमेज कास्ट अपॉन द रेटिना बाय एन ऑब्जेक्ट द क्लियर द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक टू डिमेंशन पिक होती है, उसमें जो चीज हमें बिगर दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है, तो हम परसीव करते हैं कि वो हमारे क्लोज है, और जो छोटी दिखाई देती है वो हम कहते हैं हमसे फार है। टेक्सचर ग्रेडियंट, टेक्सचर ग्रेडियंट में इनमें एक जेम्स जे गिब्सन साइकोलॉजिस्ट था, उसने इस पर वर्क किया, उसने इसके जरिए ये परसीव किया कि जो चीज जैसे कि इस पेज पर, नेक्स्ट पेज पर 77 पर ये एक बना हुआ है पिक्चर, इसमें गार्डन है फ्लावर्स का, तो अगर हम इसको करीब से देखेंगे तो फ्लावर जो है सेपरेट होंगे, सेपरेट सेपरेट कंटिन्यू मैनर में नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इसके इसको दूर से देखेंगे तो हमें एक प्लेन दिखाई देगा, कंटिन्यू मैनर देगा। तो इस पर इसने बताया था कि जो चीज हमारे ज्यादा क्लोज होती है वो हमें कंटिन्यू मैनर में दिखाई देती है, लेकिन जब उसको हम दूर से देखते हैं तो वो हमें कंटिन्यू मैनर में दिखाई नहीं देती। मोशन पैरेलेक्स, मोशन पैरेलेक्स में क्या होता है, जब हम मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे जो अलोंग साइड कुछ भी दरख्त है, कार है, या कोई शॉप्स वगैरह, कोई माल वगैरह है, कुछ भी है, तो वो भी मूव, तो हमें ऐसा लगता है कि जो चीज हमारे करीब है वो ज्यादा मूव कर रही है, और जो थोड़ी सी हमसे दूर है वो क्या कर रही है, स्लो मूव कर रही है, हमारे साथ मूव कर रही है। जैसे कि हम किसी ट्रेन में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, तो हमारे जो रोड के ऊपर दरख्त वगैरह होते हैं, शॉप्स वगैरह होती हैं, कुछ भी होता है, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं, जबकि जो दूसरी चीजें होती हैं, कोई दूर होटल वगैरह हो गया या कोई भी चीज दूर है, तो वो ऐसा लगता है कि हमारे साथ मूव कर रही हैं। तो मोशन पैरेलेक्स में उसने ये बताया। आगे आ जाता है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट में क्या होता है कि इसमें अवर एबिलिटी टू डायरेक्ट मूवमेंट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन मेरली द परसेप्शन ऑफ स्टिल ऑब्जेक्ट वी नीड टू नो द। इसमें क्या होता है कि उन्होंने कहा कि मोशन के बारे में, हम मोशन के बारे में परसीव करते हैं, ना सिर्फ ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है या कहाँ से आ रहा है, बल्कि ये भी देखते हैं कि वो कितनी स्पीड से हमारी तरफ या किस स्पीड से हमारी तरफ मूव। फॉर एग्जांपल अगर बॉल आ रहा है तो हम ये नहीं देखते कि वो किस डायरेक्शन से या कितने डिस्टेंस पर, बल्कि ये भी देखते परसीव करते हैं कि वो कितनी स्पीड से हमारी तरफ मूव करके आ रहा है। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ टू काइंड्स ऑफ परसेप्शन। इसमें दो तरह की परसेप्शन होती है, रियल मूवमेंट एंड परसेप्शन ऑफ अपेरेंट मूवमेंट। इन केस ऑफ रियल मूवमेंट देयर इज अ क्लियर चेंज इन द एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द रेटिना। जो रियल होती है इसमें जो हमारे रेटिना है इसके जो रीजन होते हैं वो क्लियरली हमें दिखाई देते हैं कि वो मूवमेंट हो रही है। इन केस ऑफ रियल मूवमेंट देयर इज क्लियर चेंज इन द एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ रेटिना। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर लुकिंग एट द स्कोर बोर्ड इन द प्ले ग्राउंड। अगर आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं, वहां पर एक प्लेयर बॉल को किक करता है, तो आप उसको देखेंगे कि बॉल मूव कर रहा है, ठीक है, आप परसीव करेंगे उसकी एक इमेज आपके जो रेटिना है उससे क्रॉस कर जाएगी। इसी तरह अगर आप उस बॉल को, जब वो प्लेयर दूसरा प्लेयर उसको किक करेगा और आप उसके साथ साथ अपनी आईज को मूव करते हैं, तो वो आपके पूरा जो ग्राउंड है आपकी बॉल के साथ साथ आपकी आईज से क्रॉस करेगा। एन ऑब्जेक्ट परसीव मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द बैकग्राउंड। जो हमारे हम परसीव करते हैं मोशन को हमारे, वो अकॉर्डिंग टू होता है बैकग्राउंड। जैसे कि अगर रात को हम देखते हैं तो
जो एयरक्राफ्ट है वो मूव कर रहा है, तो उसकी लाइट होती है, हमें पता चल रहा होता है कि वो एयरक्राफ्ट जो है मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम उसकी मोशन को परसीव कर सकते हैं, मोशन एंड इवेंट परसेप्शन। The motion of object tells us not only about their location but also about their action. जो motion of object tells us not, जो motion of object है वो ना सिर्फ हमें ये बताती है कि object की location क्या है, बल्कि ये भी बताती है कि वो हमारी action कैसे करता है. So our perception of motion is directly tied to our perception of event. A barking dog racing upward in a intruder is perceived not just a moving dog but as the event a dog is attacking. Jab dog kisi par barking karta hai to hum na sirf ye dekhte hain ki wo uski taraf usko bhonk raha hai ya bark kar raha hai balki hum ye bhi dekhte hain ki wo us par attack kar raha hai, ye bhi hum perceive karte hain. Illusion of movement. Illusion of movement kya hota hai, we sometimes perceive motion when no real movement is taking place. Isme kya hota hai ki real movement take place नहीं होती. The visual experience is called an illusion. इसको हम illusion कहते हैं. There are two classic illusion of motion, the autokinematic phenomena and the five phenomena. If you watch for a still point of light in a otherwise totally dark room for a while, you will perceive the light as slowly moving about. जब आप अंधेरे एक